नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। शंकर जी ने संत कुमार जी से कहा, हे महाभाग ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हो जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिन, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्रा अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण पारण करें, उपवास करें, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला है। हे मुने, भूमि पर सोए ब्रह्मचार्य से रहे, सत्य कहे, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन हो रोज मेरी पूजा करे, इस महीने में मंत्रों का पूर्ण श्रवण भी उत्तम विधि देने वाला है। षट अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जप करें, परिदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो स्वयं और वांछित फल देने वाला है। पुरुषों सूक्त जपे तो अधिक फल देने वाला है। गृह यज्ञ कोटि होम लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सदैव फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में 1 दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसे यह महीना मुझे प्रिय है वैसे कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला है। फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे स्तंभ, उस समय में जो धर्म कहे हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। हे मुने, अब तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदम्बर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदम्बर नाम का व्रत होता है। मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी व्रत नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसका अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पूजन में
उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत होता है और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाक्रम सभा दीप उपाक्रम की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्पबलि तथा है ग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये सात काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजतम श्रावण कृष्णा पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण जी का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है, कुछ तापन कहते हैं, और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गण नायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा है। हे मुने, इसी मास में प्राय अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के सकर्मण दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहती हैं। श्रावण मास में घवस्ती नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप से उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रियार्थ या भगवान हरि के प्रियार्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में
कुछ भी भेद नहीं। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नर्कगामी होते हैं। हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। इस प्रकार श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। जय शिव शंकर।